अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक का वीडियो है कि पैरोट बेस्ट टॉकिंग पैरोट कैसे बनता है। तो देखिए, बेस्ट टॉकिंग पैरोट बनने के लिए उसकी सबसे पहले तो एज मैटर करती है कि आप किस एज का पैरोट अपने घर लेकर आ रहे हो। अगर आपका पैरोट 2 साल से ऊपर का है तो आप उस पर मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि वो बोलना नहीं सीखेगा। इसलिए जब भी आपको टॉकिंग के लिए पैरट चाहिए तो आपको बेबी पैरट ही लेकर आना है। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, अगर आपको टॉकिंग सिखाना है तो आप 6 मंथ तक का पैरट लेकर आ सकते हो। 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक का पैरट आप लेके आ सकते हो, क्योंकि जो बड़े पैरट है वो कुछ दूसरा, अगर आपको कोई भी और ट्रेनिंग देनी है तो आप उनको वो दे सकते हो। हो सकता है कि 2 साल से ऊपर का पैरट कुछ और ट्रेनिंग में ट्रेन हो जाए, बट टॉकिंग नहीं सीख सकता वो। बेबी पैरट लेकर आए हो, उनको टॉकिंग सिखाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। आप जितना अच्छा खासा, जितना ज़्यादा उनको टाइम दोगे, आपका पैरट उतनी ही अच्छी टॉकिंग करेगा। बट आप एक अच्छा टॉकिंग पैरट उसको बनाना चाहते हो तो आपको टाइम देना होगा। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना बेस्ट होगा। और टाइम कितना, कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कुछ लोग DM करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मैम अभी इसे हम अगर सिखाने लगे तो कितने दिन में 1 वर्ड पिकअप करेगा। कितने दिन में नहीं, नॉट डेज, मंथ लगते हैं। मंथ पैरट को 1 वर्ड पिकअप करने के लिए मंथ लगते हैं। बहुत किसी को 2 महीने लगता है, किसी को उससे ज़्यादा का टाइम लगता है। वो पैरट की माइंड पे डिपेंड होता है कि कोई पैरट बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, कुछ पैरट उसके मुकाबले में थोड़ा सा लो होता है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ ही को टाइम भी लगता है। और वो डिपेंड आपकी टॉकिंग सिखाने के स्किल पर भी डिपेंड करता है, या आप पे भी ही, आप पे ही, मैं तो कहूँगी कि आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप जितना उनसे घुल मिल रहे हो, जितना ज़्यादा उनको टाइम दे रहे हो, जितना प्यार कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, तो उनमें इतना सारा सेंस होता है पैरट में कि वो आपके लव को और आपके हेट को, दोनों को ही वो बहुत अच्छे से समझते हैं। दैट्स क्लियर। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप मुझसे ये मत पूछिए कि कितना दिन में 1 वर्ड पिकअप करेगा। दिन नहीं लगता गाइस, मंथ लग जाते हैं पैरट को 1 वर्ड पिकअप करने में। होप यू क्लियर। और एक बात, जब आप शॉप पे पैरट खरीदने जाते हो तब आप चेक करके लेना चाहिए आपको। अगर आप उसके सामने इस तरह हाथ आगे करते हो तो वो आपको बाइट कर रहा है या फिर आपके हाथ पे आ रहा है। अगर वो आपके हाथ पे आता है तो वो बेस्ट टॉकिंग पैरट बनेगा, और अगर आपको वो काट रहा है तो ऐसा पैरट आपको नहीं लेना है। जब भी आप एक बर्ड शॉप से पैरट खरीदने जाते हैं तो पूरी जानकारी हासिल करके ही जाइए। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता और आप चले जाते हो, उसके बाद बर्ड सेलर आपको बड़ा पैरट पकड़ा देता है जो ना टॉकिंग सीख सकता है ना कुछ और ट्रेन हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो मेरा पैरट देख रहे हो, ये टॉकिंग पैरट भी है, प्लस ये हाथ पे भी आज आता है। आप मेरे अदर वीडियोस में देख सकते हो, मैं हाथ पे लेकर इसको वीडियोस बनाती हूँ। अभी मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको केज में रखा हुआ है। अदरवाइज अगर मैं घर में बनाती हूँ तो इसको मैं ओपन रख के ही वीडियो बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैंने शायद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दी होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।